पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम मेंबर उमर अयूब खान की तारीख से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। आपको ये पता होगा कि उमर अयूब खान जनरल अयूब खान के पोते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि उमर अयूब खान का बैकग्राउंड आर्मी के सर्विस मैन से भरा हुआ है। अब आपको पता होगा कि अभी कौमी असेंबली का जो इजलास हुआ है, इसमें पीटीआई की तरफ से उमर अयूब खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर नामजद किया गया था, लेकिन इनको इतने वोट ना मिल सके कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। दोस्तों, उमर अयूब खान के दादा जनरल अयूब खान थे। ये वही मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने 58 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया था और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में आमराना तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ। 2018 तक तो उमर अयूब खान को पार्टी चेंजर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने 2008, 2013 और 2018 के तीनों इलेक्शन मुख्तलिफ पार्टी से लड़े थे। उमर अयूब खान के वालिद का नाम गौर अयूब खान था, ये भी फौज में अफसर थे, लेकिन ये कैप्टन के रैंक से आगे ना बढ़ सके। इसका रीजन ये है कि इनके ऊपर फौज में डिसिप्लिन को लेकर इल्जाम लगे थे, जिसको लेकर इनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई थी। इसी तरह दोस्तों, उमर अयूब खान के अंकल जिनका नाम अली खान